पाकिस्तान में होंगे तो आपको ये होगा यार आज कल क्या आज वीज़ा लगे तो मैं चला जाऊँ। एजेंट हैं वो, उनका काम होता है हमें यहाँ आके भेजना, मतलब हमें फीस बताते नहीं है कि अगले सालों की कितनी होती है। अपना कैश को पढ़ना चाहिए प्रॉपरली कि अगले सालों की भी फीस कितनी आ रही है। जैसे हमारे साथ अब हुआ है 11,000 हम पे करके आए और नेक्स्ट ईयर की अब स्कॉलरशिप लग के भी हमें 18,000 पाउंड है, जिसके पास जब रेफरल मांगता है ठीक है, जो बहुत कम है इधर खास ठीक है। हाँ डिलीवरी वगैरह की जॉब कहीं ना कहीं मिल जाए, मुश्किल से वो बहुत आप ढूंढो ठीक है। इसने नंबर दिया था आज से, मैं याद जब नहीं आया था जनवरी में, इसे अब कॉल आई आज से 8 महीने बाद जॉब करोगे। जाहिर है जैसे ही पता लगता है इनको स्टूडेंट है कोई, तो वो थोड़े से उनकी टोन ही बदली हो जाती है, जो भी होता है यहाँ की पुलिस तक की टोन बदली हो जाती है जब वो देखते हैं स्टूडेंट है। इस वक्त इस यूके में हालात बहुत नासाज हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदा आया हुआ यहाँ पे इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में आए हैं। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो है वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते थे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी यहाँ के बारे में, तो आज हम स्पेशल ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़े तंग हैं ठीक है, तो इनसे कुछ पूछते हैं कि यार ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एवरी डे पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हर बंदा चाहता है यार मैं किसी तरीके बाहर चला जाऊँ। हर बंदा, आप भी जब पाकिस्तान में अपना, जब आप पाकिस्तान में होंगे तो आपको ये होगा यार आज कल क्या आज वीज़ा लगे तो मैं चला जाऊँ ठीक है। तो ये इस टाइम पे बहुत सारी कम्युनिटी हमारी सितंबर इनटेक में आगे जनवरी 2025 में आने का प्लान कर रही है। मुझे पहले तो ये चीज़ बता दें कि आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें कि पाकिस्तान में कहाँ से हैं, ताकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोगों को अपने कोई शहर का बंदा जो है वो सुन के खुशी होती है कि यार अभी उधर चला गया। जी मैं, मेरा नाम नबील अहमद है, मैं पाकिस्तान से गुजरांवाला से। मेरा नाम वलीद है, मैं पाकिस्तान में वज़ीराबाद से। जी मेरा नाम अरीबुल हसन है और मैं भी गुजरांवाला से। यार लकीली मेरे नानके गुजरांवाले थे ना ठीक है, और मेरे जो दादके हैं वो सियालकोट के हैं ना, ये पता नहीं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी के इकट्ठे लोग जो है वो सेंट्रल पंजाब के आपको मिल जाएँ। तो मुझे बताएं कि इस टाइम पे आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं और कौन से कोर्स में आए हैं, कितने पैसे लगा के आए हैं? हम इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस ठीक है, और जो हम फीस दे के आए थे फर्स्ट ईयर की वो थी 11,500 समथिंग ठीक है, अराउंड आप कह सकते हैं 12,000 ये दे के आए थे हम सारे। लेकिन जो अब हम नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है हमने इनसे कंफर्म किया, वो इन्होंने सीधा ही 12,000 से 23,000 कर दिया। अच्छा, उस पर कह रहे हैं हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन वो भी डिस्काउंट करने के बाद में 19,000 फीस है, जो जस्टिफाई नहीं बनती यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। आप यूनिवर्सिटी को देखें उस लेवल की यूनिवर्सिटी में जितनी फीस डिमांड कर रहे हैं, तो फीस के स्टडीज सही हैं लेकिन फीस आप देखें वो डिफाइन नहीं करती इसी यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूँ, बाज़ औक़ात ये होता है ना कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना तो हमें बड़ी जल्दी होती है बाहर आने की। ऑफ़र लेटर के ऊपर बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ ने मेंशन किया होता है फर्स्ट ईयर की ये फ़ीस है, दूसरे ईयर की ये है, तीसरे ईयर की ये है, तो हम उस टाइम कहते हैं यार कोई गल नहीं 7,000 इनिशियल डिपॉजिट देना दो तो जाओ। और कंसल्टेंट और एजेंट भी ये कहते हैं यार उत्थे जा के उधर तो पहुँच जाए, उत्थे एक बार जरा लैंड कर गया उसके बाद वो तो कर ही लेगा, लेकिन वो फिर जो इधर होता है वो फिर देखा नहीं जाता बंदे से। तो आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे आपके साथ जो है वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या क्या जो है वो जुल्म कर रही है, जो आप समझते हैं कि नए बंदे को अगर यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखे? सबसे पहले तो जैसे भाई ने कहा कि जो अपने जो एजेंट हैं वो, उनका काम होता है हमें यहाँ आके भेजना, मतलब हमें फ़ीस बताते नहीं है कि अगले सालों की कितनी होती है। अपना कैश को पढ़ना चाहिए प्रॉपरली कि अगले सालों की भी फ़ीस कितनी आ रही है। जैसे हमारे साथ अब हुआ है 11,000 हम पे करके आए और नेक्स्ट ईयर की अब स्कॉलरशिप लग के भी हमें 18,000 पाउंड है, तो जिस हिसाब से हमें पढ़ा रहे हैं वो तो 5,000 वाला भी नहीं है, वो अलहदा बात है। आपको पता है कि बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो बैचलर के ऊपर स्पेशली आना चाहते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है आप तीनों जो है वो बैचलर के स्टूडेंट हैं। बैचलर वाले स्टूडेंट को यूजुअली हम भी रिकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं कि यार यहाँ तो आप तब आओ जब आपकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो फीसें आपकी सारी नहीं तो आधी पाकिस्तान से दे सके, अगर नहीं दे सकती तो फिर आपको थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं स्पेशली इंटर के बाद लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो क्या, अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर किसको क्या करना चाहिए? नहीं देखें यहाँ पे बहुत मुश्किल है फीस पूरी करना, ये हो सकता है कि अब ये देखें मास्टर्स में तो ऑलमोस्ट आपने देखे आनी होती है, आप यहाँ पर आप अगर 3 साल की 4 साल की फ़ीस निकालना इतना आसान नहीं होता, टाइम चाहिए होता है इसके लिए। तो अगर तो आपके पास देखें एक साल में फीस पूरी करना कोई इतना कोई खाला जी गवारा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये अगर तो बंदे ने इसी उम्मीद पे आना कि मैंने जाके पूरी करनी है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा, इस टाइम पे ब्रैडफोर्ड के अंदर जॉब की क्या सिचुएशन है, क्योंकि नए स्टूडेंट ब्रैडफोर्ड में जो आ रहे हैं
जॉब मिल जाती है या औखा होता है काम? नहीं, जॉब बहुत मुश्किल है। एक पहला बात तो रेफरेंस, इधर जिसके पास जाओ रेफरेंस मांगता है, ठीक है, जॉब बहुत कम है इधर खास, ठीक है। हाँ, डिग्री वगैरह की जॉब कहीं ना कहीं मिल जाए, मुश्किल से वो ढूंढ, बहुत आप ढूंढो, ठीक है। इसने नंबर दिया था आज से, मैं याद, जब नहीं आया था जनवरी में, इसे अब कॉल आई आज से 8 महीने बाद, ये जॉब करोगे, ठीक है। तो ये जॉब बहुत कम है इधर, ठीक है। मैं जॉब करता हूँ, मैं हैलीफैक्स जाता हूँ, तो बैडफोर्ड में बहुत कम जॉब था, वो भी रेफरेंस मुझे जॉब मिली, वो भी हैलीफैक्स में, तो जॉब का थोड़ा इशू है इधर। अब जो नया बंदा आ रहा है, अब उसको जॉब का भी मसला है, उसने बेचारे ने दाखिला भी ले लिया, अब वो उसको क्या एक आप सजेशन देना चाहते हैं कि यार अब आ ही रहे हो जद, क्योंकि पाकिस्तान में जिसको आया होता है ना बाहर जाने का, वो फिर आ जाता है, वो जो मर्ज़ी कर लो, तो वो जब आ ही रहा है तो वो फिर क्या ऐसा जो है वो करके आए कि उसकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इतनी बुरी ना हो? जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पे जॉब्स की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, आते सार मेरे नज़दीक ब्रैडफोर्ड में नहीं, जहीं कहीं भी आप आएंगे आपको स्ट्रगल करनी पड़नी है जॉब्स के लिए। स्पेशली शुरू वाली जॉब आपकी टेकवे में लगेगी, वो भी मोस्ट चांसेस यही हैं कि आपका कोई रेफरेंस वगैरह हो। और पाकिस्तान आने से, इधर आने से मैं सजेशन करूँगा पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आएँ। मैं जब नहीं लेके आया था तो हो सकता है आप आके गाड़ी लें तो डिलीवरीज वगैरह कर लें, फिर आपका काम आसान हो सकता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस अपना लाजमी लेके आएँ। अच्छा, ये मैं तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ कि यार अगर ड्राइविंग नहीं आती तो आप 60-70% जॉब्स तो कर ही नहीं सकते, और काम यहाँ पे है ही स्टूडेंट के लिए, यहाँ सिक्योरिटी है तो यहाँ डिलीवरी है, वो अगर दोनों आप नहीं करते तो फिर तो आपके लिए नुकसान दिया। कोई एक सजेशन आखिरी यार आप अगर नए आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहें? सजेशन यही है कि आप आएँ, अपने साथ कुछ पैसे साथ लेके आएँ कि आपका एटलीस्ट 1-2-3 मंथ आपका गुजारा हो, जितनी देर आपको जॉब नहीं मिलती। सबसे पहले ये कि आते बंदा बैज अप्लाई करे अपना, गाड़ी का लाइसेंस ले के आए, गाड़ी ले ले, बैज ले ले, फिर तो आपको पता ही है जॉब्स का काफ़ी सीन है। लेकिन अगर ये इस पर डिपेंड होगा कि मुझे वैसे जॉब मिलेगी, वैसे गाड़ी के बगैर तो वैसे बहुत मुश्किल है, गाड़ी के साथ मिल जाती है, चांस होते हैं डिलीवरीज के रेस्टोरेंट के अंदर, लेकिन गाड़ी के बगैर बहुत मुश्किल है। अंदर आ जाके आपने वही बर्तन ही धोने हैं, वो भी आपको बहुत कम ही मिलती है। अच्छा, एक आखिरी बात, अब क्योंकि पाकिस्तान से हर बंदा निकलना चाहता है और यूके ही ऐसा कंट्री है जो वीज़ा देता है, बाकी ना ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है, ना कनाडा देता है, ना यूएसए देता है, आखिर में ले दे के हमें यही बचता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ना आए, अगर जो बंदा आप कहते हैं कि यहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं है, बंदा यहाँ ना आए तो फिर वो की करे? नहीं, मजबूरियाँ पाकिस्तान में लोगों की मजबूरियाँ, वो कहते हैं वहाँ से निकलें, ठीक है। लेकिन मैं कहता अगर आना है तो पहले यूनिवर्सिटी देखें, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी, आप आगे दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। एक यूनिवर्सिटी देखें जिसकी कम से कम फ़ीस है, जो आप आगे अफोर्ड कर सकते हैं, और कोशिश पाकिस्तान ये की जाए कि जितने पैसे वो दे के आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने वो दे के आ सकते हैं वो दे के आएँ। तो स्टार्टिंग में बंदे को मुश्किल तो होनी है, जो भी है बंदा जैसा भी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग भी है, उसे भी हल्की सी मुश्किल होती हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन कोई यही है कि आप स्टार्टिंग में जितना कर सकते हैं लेके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत लेके आएँ, ठीक है, और आते सारी, ठीक है, जॉब के पीछे लग जाएँ। और यूनिवर्सिटी को मैं फिर यही कहूँगा, यूनिवर्सिटी देखेंगे फीसिस कितनी है, तो हमारे साथ यही हुआ है, हम पहले देख के आएंगे 11,000 फीस है, अब जो उन्होंने फीसिस कर दी है वो 19,000-20,000 रिलेटेड टू कोर्स, इसे हम फीस ही नहीं कर रहे वो, ठीक है। तो मैं तो यही कहना। अच्छा, ये एक भाई पीछे से जो है वो आए हैं, इनसे भी एक सवाल जो है वो पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते वो यूरोप वगैरह जाना चाहते हैं, तो यहाँ से यूरोप जाना आसान है मुश्किल है? यहाँ से यूरोप जाना तो बहुत मुश्किल है वैसे देखा जाए, अगर आपके पास NI की जॉब है ना तो वो बेहतरीन है, क्योंकि आप उनको अपनी स्लिप्स वगैरह दिखा के वहाँ का कोई होटल वगैरह आप बुक कर लें, ठीक है। ऑन द ग्राउंड अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं इस तरह का कोई होटल वगैरह बुक कर लें, आप वहाँ पे जाके आपके लिए आसानी है इस तरह। लेकिन इसके अलावा मतलब है कि थोड़े मुश्किल हालात है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें पता है कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ज़ाहिर है जैसे ही पता लगता है इनको स्टूडेंट है कोई, तो वो थोड़े से उनकी टोन ही बदली हो जाती है, जो भी होता है यहाँ की पुलिस तक की टोन बदली हो जाती है जब वो देखते हैं स्टूडेंट है। तो बाकी ये है कि इस वक्त इस यूके में हालात बहुत नासाज हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदा आया हुआ यहाँ पे इस टाइम, तो अभी तक मुझे तकरीबन अल्लाह का शुक्र है 6 महीने हो गए हैं, ठीक है, निज़ाम ठीक चल रहा है, लेकिन मतलब उस तरह ठीक नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे आए हैं कोई 1-2 वीक बाद हमें पता चला कि हमारी फ़ीस हो गई है 23,000 pounds, ठीक है। अब तो ये तो यार मेक श्योर करें जो भी बैचलर के स्टूडेंट हैं कि वो अपनी जो है वो अगले सालों की फ़ीसें लाजमी देख के आएँ, ठीक है, और पुराने भी अपने जो सीनियर्स होते हैं उनसे लाजमी पूछा करें कि यार यूनिवर्सिटी ने अगर अगले सालों की फ़ीस बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई। अब हमें कैश लेटर इन्होंने नहीं इशू किया, इन्होंने हमें सिर्फ कैश का एक नंबर दे दिया था, हमारी भी यही कोताही थी कि हमने ये नहीं देखा कि हमारा कैश लेटर है या नहीं है, तो
मेक श्योर करें कि आप किसी तरीके से कैश लेटर लेके आएँ, वो बेहतरीन रहता है, उसमें आपको कंफर्म होता है कि आपकी फ़ीस कितनी है या नहीं है। तो बाकी ये है कि इस तरह मतलब अभी यहाँ पे हमारी जिस तरह फ़ीस ज़्यादा हो गई है, ये हमारे लिए यहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। चलिए जी, ये तो थे ब्रैडफोर्ड के स्टूडेंट्स। होपफुली जो है वो जो भी बैचलर के स्टूडेंट है वो जो मिस्टेक्स इन्होंने की वो ब्रैडफोर्ड के नए आने वाले स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और हमारा किसी भी पॉइंट के ऊपर मकसद किसी भी स्टूडेंट को डीमोटिवेट करना नहीं था, बल्कि अलार्म करना था कि यार आप जो है वो अगर आ रहे हैं ब्रैडफोर्ड या किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी में, स्पेशली बैचलर के ऊपर, तो लाजमी अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस और बाकी चीज़ों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आएँ, अदरवाइज़ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मुश्किल ही होती जा रही है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।